बाड़मेर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की कुर्सी इन दिनों चर्चा का विषय बनती नजर आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग निदेशालय ने गत 26 अगस्त को आदेश जारी कर सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश चौधरी का तबादला कर जयपुर लगाया था और उनकी जगह डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई को बाड़मेर सीएमएचओ की कमान सौंपी थी, लेकिन इन आदेश से असंतुष्ट डॉक्टर कमलेश चौधरी ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर से स्टे लेकर गुरुवार को बाड़मेर सीएमएचओ का पदभार पुनः ग्रहण कर लिया। बाड़मेर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की कुर्सी इन दिनों विवादों के घेरे में नजर आ रही है, लेकिन इन विवादों के बीच पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश चौधरी ने गुरुवार को सीएमएचओ पद का पदभार ग्रहण कर लिया। हालांकि करीब 6 दिन पूर्व डॉक्टर कमलेश चौधरी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के स्टे लेकर आए थे और बाड़मेर सीएमएचओ पद पर आसीन होने के लिए आए, लेकिन निदेशालय द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शन के अभाव में डॉक्टर कमलेश चौधरी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। आखिरकार वह जयपुर स्थित निदेशालय पहुंचे और गुरुवार को बाड़मेर पहुंचकर डॉक्टर कमलेश चौधरी ने बाड़मेर सीएमएचओ पद पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। सीएमएचओ का पदभार ग्रहण करने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश चौधरी ने कहा कि सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के आदेशों की पालना में उन्होंने सीएमएचओ का पदभार ग्रहण किया है और आगामी राज्य सरकार के जैसे आदेश प्राप्त होंगे उनकी पालना की जाएगी। सीएमएचओ जब मैं रहा उसके बाद मेरा राज्य सरकार ने कोविड कंट्रोल जयपुर में मेरा प्रतिस्थापन कर दिया गया था, तो उसी आदेश को लेकर मैं सिविल सेवा अधिकरण जयपुर गया। वहाँ से मेरे को स्टे प्राप्त हुआ और स्टे उस कोर्ट के आदेशों की पालना में मैंने आज संपूर्ण चाहिए। मेरे स्वास्थ्य विभाग में 6 तारीख को मैंने वहाँ पर मेरी सारी जो स्टे की कॉपी वगैरह भिजवा दी थी और आज मैंने नहीं, जो 26 तारीख को जो एक ऑर्डर हुआ था आपको कार्यव्यवस्था के तहत, तो 2.5 महीने से आप मतलब ये अवकाश पर। अच्छा बताया ना, मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भिजवा दी थी, उसके बाद मैंने आज संपूर्ण था वहाँ। बाकी जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी और राज्य सरकार जैसा भी आदेश या निर्देश देगी पालना करेगी, कोर्ट के निर्देशों की पालना में आपको आज ज्वाइन किया तय करना। गौरतलब है कि गत 26 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग निदेशालय ने बाड़मेर सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश चौधरी का तबादला कर उन्हें जयपुर भेज दिया था, लेकिन डॉक्टर कमलेश चौधरी इस तबादले से असंतुष्ट थे। ऐसे में सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील दायर कर तबादला निरस्त करवाने की मांग की थी। वहीं सिविल सेवा अधिकरण द्वारा स्टे लगा दिया गया था और 14 दिन के भीतर भीतर डॉक्टर कमलेश चौधरी को अपना पदभार ग्रहण करना था। ऐसे में गुरुवार को डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई की अनुपस्थिति में डॉक्टर कमलेश चौधरी ने स्वयं ही अपने हस्ताक्षर कर सीएमएचओ का पदभार ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि डॉक्टर कमलेश चौधरी के तबादले के बाद बाड़मेर सीएमएचओ पद की कमान डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई को सौंप दी गई थी। सूत्रों के अनुसार आसीन सीएमएचओ को दरकिनार करते हुए डॉक्टर कमलेश चौधरी के सीएमएचओ का पदभार ग्रहण कर लिया। ऐसे में सीएमएचओ कुर्सी का विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई और निदेशालय के आदेश जारी होने के बाद ही स्थितियां पूरी तरह से कुछ स्पष्ट हो पाएगी।